हाँ साहब, एक फोटो खिंचन एक चाहिए जाओ जिन जिन तुम ठीक जानिए चलो फोटो अस्सलाम भाई, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद साकी स्पोर्ट प्ले एडिशन एंड ब्लैक कोबरा की बिल्कुल 2023 की एडिशन की ओपनिंग सर्विस बिल्कुल जारी। सारी बंटू भाई, अरसलान जमशेद बागोवाल, अच्छी भट्ट आप पहुंचे हैं, उस्साम अली सियालकोट आप पहुंचे हैं, द ब्रांड ऑफ पाकिस्तान जबरदस्त बड़ी बेहतरीन सरमनी की है। पाकिस्तान टेबल क्रिकेट का सबसे अवलीन पसंदीदा बैट साकी स्पोर्ट प्ले एडिशन। जैन लेफ्टी भी आ गए हैं, जैन लेफ्टी चौधरी आदल गुमन भी आ चुके हैं, चौधरी आदल गुमन, जैन लेफ्टी, बंटू भाई, उस्साम अली सियालकोट, इनाम अली मुगल भाई, अफसल भाई एंड अरसलान अच्छी भट्ट। लामा साहब कह रहे मेरा मैच कल बैट रेडी कर दो। जनाब दाऊद बूच भी आ चुके हैं, वाइस ऑफ पाकिस्तान, वाइस ऑफ गुजरात, ये अली भाई हैं, अच्छी बात के भाई, मलिक उस्मान भाई, औजे भी है माशाल्लाह, है भाई अमर से अले फोटो है ना कैमरा मैन और यार वीडियो शेयर कर दे तो हम दोस्तों एक एक दफा। अली शाह भाई भी आए हैं, खाजा साहब भी आए हैं, खाजा साहब तुम्हारा मैच है बल्ला लेना है, यस सिंगलेट रन हो गया मैच तुम्हारे बॉलर शाही साहब ने शाही साहब तुम चौकस हो सीजन च रेडी हो भलवान कितने तुम्हारा कोच अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको जितने भी हमारे नाजरीन आप सबको दाऊद बूच का सलाम। और इस टाइम हम आज साकी स्पोर्ट्स, मेरे हाथ में जो बल्ला है इसका नाम है साकी, जिस भी खिलाड़ी के हाथ में आ जाता है कुछ नहीं छोड़ता बाकी। सो बैटिंग पे आते वाकई में ही बॉलर्स के लिए ये तूफान होता है, हमेशा खतरे की अलामत रहता है और आज इसका जो नया स्टिकर है वो लॉन्च कर दिया गया है साकी स्पोर्ट्स का। जो पहले तो हमने ब्लैक कोबरा बल्ला बड़ा राज किया, बड़े अरसे से पूरे पाकिस्तान के अंदर इसका नाम रहा है, बल्कि इंडिया तक नाम रहा है। अगर बंटू को फेम मिला था तो ये साकी स्पोर्ट्स का ब्लैक कोबरा बल्ला था, वो हाथ में लिया था तो तब जनाब उसने वो शॉटें खेलना शुरू की और फिर उधर से इंडिया से भी लोगों ने मैसेजेस किए कि भाईजान साकी का बल्ला लेके आना है। मैं साकी के बल्ले के हवाले से बात भी करूंगा। अरसलान जमशेद अच्छी भट्ट हर जगह पे, अभी रिसेंटली भी परसों एक इवेंट हुआ है बड़ा शानदार, वहां पे भी मैन ऑफ द मैच करार रहे, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द इवेंट करार रहे, साकी के बैट के साथ खेलते हैं। उसके साथ साथ जनाब एसपीएल हुई हमारी सियालकोट प्रीमियर लीग, उसके अंदर भी इसी बल्ले के साथ इन्होंने माशाल्लाह राज किया, सुल्तान राही। इसके अलावा बड़े खिलाड़ी हमारे जितने भी, कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है सियालकोट का और वन एंड ऑनली जनाब यूए की टीम के कप्तान भी है, टेप बॉल के वर्ल्ड कप में यही बल्ला इस्तेमाल होना। मैं एक और बात बता दूं, टेप बॉल का जो वर्ल्ड कप हो रहा है, वर्ल्ड कप क्योंकि लोग इसका इसके वाले से बातचीत करेंगे, ये कैसा इवेंट हो रहा है, ये तमाम मैचेस सियालकोट क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट पे लाइव दिखाए जाएंगे इंशाल्लाह। मैं सुबह मैंने चले जाना है लेकिन मुझे इंडिया के प्लेयर्स ने स्पेशल कहा है कि भाईजान किसी तरीके से साकी का बल्ला आपने हमारे खेलने के लिए लेके आना है। श्रीलंका के खिलाड़ी है, कुमार कप्तान है, उनके मेरे पास अभी मैसेज सेव है। सो जनाब साकी स्पोर्ट्स है, उसका बकायदा एक इंटरनेशनल कप बकायदा तौर पे बनाया गया है, एक एडिशन बनाया गया है, टेप बॉल वर्ल्ड कप का एडिशन बनाया गया और इंशाल्लाह ताला जियो सुपर के ऊपर तमाम मैचेस हैं, सियालकोट क्रिकेट पेज, पाकिस्तान क्रिकेट पेज, इसके अलावा दीगर जो पेजेस हैं उन सब पे तमाम मुकाबले हैं वो लाइव चल रहे हैं, मतलब के इंडिया के खिलाड़ी भी अब साकी के बल्ले के साथ इंशाल्लाह खेलेंगे। सबसे बड़े एजाज की बात यह है, आज तक टेप बॉल क्रिकेट इंटरनेशनल लेवल पे बल्ला है वो कोई इस्तेमाल नहीं किया गया, हमारे पाकिस्तानी जाते हैं चार बल्ले बैग में डाल के ले जाते हैं, वहां पे जाके खेल के आते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं यहां से
आज रात को 30 से 40 बल्ले लेके लाहौर रवाना हो रहा और इंशाल्लाह ताला कल मैंने पहुंच जाना है दुबई में, लेकिन वहां पे जाके साकी के बल्ले हैं वो इस्तेमाल होंगे और ये सबसे बड़े एजाज की बात है साकी स्पोर्ट्स के लिए। बाल भी है अब मेरे ख्याल के मुताबिक शाइन को बहुत ज्यादा शाइन हो चुका है बाल है जोर सा। अब हमने साकी स्पोर्ट्स का जो बाल है वो भी लॉन्च कर दिया है, सो आप साकी स्पोर्ट्स के बाल के साथ खेलें, ग्लव्स पहनेंगे तो जनाब डेफिनेटली ये ग्लव्स ऐसे भी हैं कि आपको सर्दी लगे तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ना हो बाइक चलाना हो आपने, क्योंकि अक्सर हमारे जो क्रिकेटर हैं वो इतने ज्यादा अमीर नहीं होते, बाइक भी चला सकते हैं, सो ये आप इससे डिलीवरी भी कर सकते हैं। सो जनाब मैं बहुत धन्यवाद पेश करना चाहूंगा, नहीं 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 अच्छा ये अब से भी सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, कंग्रेचुलेशन नए बैट है वो आपने लॉन्च कर दिया, मुझे जरा रेट बता दीजिएगा क्योंकि मैं शायकी नहीं क्रिकेट हमेशा ना, अभी मैं देख रहा था साजिद भाई सईद भाई से सवाल पूछ रहे थे कि भाई क्या रेट है क्या प्राइस है, जरा ये बता दीजिएगा कि ये बैट्स का प्राइस क्या है। 10,000 रुपए का बल्ले है, बिल्कुल ये फेयर रेट है और डिलीवरी के चार्जेस के वाले से बता दीजिएगा, इसके एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। मैनेजर साहब हमारे साथ मौजूद है, मैनेजर साहब साकी की नई शर्ट भी लॉन्च हो चुकी है, बॉल भी लॉन्च हो चुके हैं, सो क्या करना चाहेंगे इतना बड़ा मार्शल से अब साकी कुछ नहीं छोड़ेगा काफी ज्यादा चेंजेस किए हैं, बॉल है बैट है ग्लव्स है इनर है सारा कुछ है, इंशाल्लाह ताला अगले साल आएंगे और नई चीजें लेकर आएंगे इंशाल्लाह ताला। जनाब साल 2023 अच्छी भाई मौजूद है, अच्छी भाई माशाल्लाह मैं परसों भी एक फाइनल चल रहा था तो मैं नी खोखरा में बता रहा था कि मैंने अपनी, क्योंकि ये कमेंटेटर का काम होता है कि चीजें बताना, और मैंने अच्छी पट के वाले से बताया था, अच्छी पट पाकिस्तान टेबल क्रिकेट का वाइस खिलाड़ी है जिसने उपो की में छक्के लगाए, वहां से लेके अभी तक साल 2022 तक इसी बल्ले के साथ खेल रही है, इसके लिए ताली होनी चाहिए, है हमारे गुजरात का बंदा है, लेकिन अगर किसी बंदे ने साकी के बल्ले के साथ वफा की है तो इस बंदे ने की है, ईमानदारी से बता रहा हूँ भाई, और ये सामा भाई खड़े हैं इस बंदे संजू भाई का मैं बताता हूँ, क्योंकि शेरा भी है शेरा बहुत नाम लंबे आ जाएंगे, लेकिन आशी भाई का स्पेशल इसलिए नाम लिया कि ये गुजरात से है, सो संजू भाई चुविंडा में हमारा चुविंडा वाली साइड पे बहुत सजा साहब इधर आए आपको तो बहुत शुक्रिया, हमारे स्पॉन्सर सारे यहाँ पे मौजूद है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। सो संजू भाई चुविंडा में जनाब हमारे ये बैट्स है, इनका ब्रांड एम्बेसिडर है यकीन करिएगा, चुविंडा में इन्होंने अपनी स्पोर्ट्स की शॉप बनाई वहां पे साकी कर दी जनाब, सो वेरी वेल डन सल्लू भाई। मैं अच्छी भाई तरह आपसे पूछना चाहूंगा कि अच्छी भाई आप बैट से तो खेल रहे हैं साकी के बल्ले से, क्या हासियत है जिसकी वजह से आप बाकी भी बैट से खेल सकते थे लेकिन क्या हासियत है जो साकी के बल्ले के साथ आप पक्का खेलते आ रहे हैं? यार इसमें हासिल की बात है बस बंदे के, माशाल्लाह नाम भाई बहुत अच्छे इंसान है, अब्दुल भाई बहुत अच्छे इंसान है, साथ बस एक प्यार सा हो गया लगाव हो गया इसलिए बस इनके साथ चल रहे हैं माशाल्लाह, चीज तो आनी जानी होती है कभी अच्छी कभी बुरी। नहीं आई थिंक पहली दफा जो आपने वो छक्के लगाए थे उसके बाद फिर आपको ये रास आ गया बैट? हाँ भैया जी ये बात भी होती है बस ये भी कह सकते हैं। बिल्कुल इनाम भाई से जरा बात करेंगे, बहुत कम ना अक्सर सोशल मीडिया से दूर दूर रहते हैं, हम कमेंट्री में भी वेलकम करते हैं, साजिद भाई भी नाम लेते हैं, सईद भाई भी, लेकिन थोड़ा थोड़ा दूर रहते हैं। इनाम भाई आपने माशाल्लाह से ये नया एडिशन लॉन्च कर दिया है, तो ये बल्ले मुझे जरा ये बताइएगा कि ये पाकिस्तान में बनते हैं या फिर एब्रॉड कंट्री से बन के आते हैं? पाकिस्तान में बनते हैं। नहीं नहीं ये लकड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, श्रीलंका से स्पेशल यहाँ पे इम्पोर्ट करवाते हैं, और वो जो एक रावला कोटी लकड़ी की बड़ी यानी कि मशहूर हुई थी वो स्पेशली ये रावला कोटा ब्लैक, ये जनाब स्पेशली जो ब्लैक कोबरा इसका रेट बता दीजिएगा। ये 5,000 का, 5,000 रुपए का ये बैट है ब्लैक कोबरा, और इनर का भी थोड़ा रेट बता दीजिएगा जी कितने का ग्लव्स है? 1,000 रुपए का, ये 1,000 रुपए की जोड़ी है ग्लव्स की जनाब, सो आप ये 1,000 रुपए आप देंगे वो इंशाल्लाह बताएंगे, अच्छी भाई ने भी ये चेक किए हैं इंशाल्लाह बताएंगे आपको ये कैसे हैं, सामा भाई ने भी चेक किए हैं, सामा भाई
उसामा भाई अक्सर न लोगों की शिकायत रहती है कि उसामा अली सालकोट है वो किसी को अपना बैट नहीं देते हैं, तो ये क्या राज है कि साकी स्पोर्ट्स ने आपको दम करके तो नहीं दिया होता बल्ला जब छक्के लगाते हैं? नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये भाई हैं और प्यार करने वाले हैं, हम 5-6 साल से इनके साथ चल रहे हैं जी। तो मुझे तो ये बैट चले स्पॉन्सर करते हैं लेकिन साथ ज्यादा अच्छे लगते हैं, कोई इस वजह से जो है ना वो उनका बैट की क्वालिटी भी अच्छी होती है, तो कोशिश ये होती है कि जब बैट मतलब खेल रहे होते हैं तो एक मंथ लग जाता है उसको बनने में, तो फिर वो जब हाथ पे सही मतलब आ जाता है तो इस वजह से वो मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा शायकी ने क्रिकेट है वो आपसे बैट हासिल कर सकते हैं आपकी मतलब स्पोर्ट्स शॉप है आई थिंक जिससे दोस्त है अमर से और अच्छी भाई की अपनी शॉप है गुजरात में हमारे सर गोदा वाली साइड पे मणिपुर में जिसको बैट चाहिए तो बंटू भाई जो करता है गेंदबाजों की अक्सर पटाई, साल 2019 में बल्ला उठाया, राज किया पाकिस्तान टेबल क्रिकेट में, दुनिया अपनी जवानी भाई बनाई, स्पेशली जो आजकल के आने वाले नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो स्पेशली बंटू के फैन होते हैं, न्यू एडिशन है हमारा यंग टैलेंट बंटू। साकी के बल्ले सब खेलते आए हैं, आप ब्लैक कोबरा से खेलते हैं कोकोनट एडिशन का खेलते आए जब जब जो सा बैट मिला है उससे नहीं, ओवरऑल वैसे आपका कोकोनट के साथ कोकोनट के बल्ले के साथ आप माशाल्लाह खेलते आए हैं और अभी भी कोकोनट से चलेंगे इंशाल्लाह। तो जनाब थोड़ा ये बताइएगा बंटू हमें वो दोबारा शादी कब दिखा रहे हैं? असल बात आपको बताता हूँ मैं कि भाई कैमरे के सामने हमारे बंटू भाई की थोड़ी बोलती कम हुई स्पेशली ना ये बंदा मैं आप सबको बताता चलूं शायद सियालकोट ने बहुत कम इसकी बैटिंग देखी है। मैं पहली दफा जब कमेंट्री के लिए गया था तो वहां पे मुझे एहसन भाई से मुलाकात हुई थी साल 2017 में कड़ोली में मैं गया था, मुझे तब कोई बंदा नहीं था जानता, तो मैं पहली दफा कमेंट्री के लिए एहसन भाई के इलाके में गया था। तो एहसन भाई गुजर खान का नंबर वन खिलाड़ी है, हिताई पठार रावलपिंडी का ये बंदा नंबर वन खिलाड़ी है, एहसन भाई साकी के बल्ले के साथ रावलपिंडी में और भी बल्ले बहुत ज्यादा हैं, जेडी का बैट है, उसके अलावा सुलेमान बीच में सुलेमान भाई का माशा हर बंदा अच्छा काम कर रहा है कोई शक नहीं है। सो आप ये साकी स्पोर्ट्स के साथ बल्ले के साथ खेलने की क्या सास वजह है? सास वजह से एक तो सामा भाई है ठीक है, उनका बैट देखा मुझे पसंद आया, मैं इनको बोला पहली दफा तो ये कहते हैं चले मैं बात कर रहा हूँ। इतनी दूर से आप सफर करके बीच में हालांकि मैं भी थोड़ा लेट पहुंचा क्योंकि धरना इमरान खान की वजह से वो चल रहा है सिस्टम, तो आप फिर भी सफर करके स्पेशली साकी स्पोर्ट्स के लिए आए हैं? बड़ा ऊंचा हुए प्यार में बताऊँ के साथ हमने इनवाइट किया ठीक है, इतनी मोहब्बत किया, सुबह भी कॉल किया कराते हुए, तो फिर जरूरी था ना, इसका मतलब है गुजर खान के इलाके में भी साकी साकी हो जाएगी। ऐसा भी बहुत शुक्रिया, मैं आपका जितना ज्यादा अपनी तरफ से हमारे अफजल भाई की जानिब से इनाम भाई की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, लव यू हो गया। फादी भाई को बताए फादी भाई सबसे पुराने फादी भी पुराना बंदा साखी के बल्ले के साथ 2023 एडिशन है तो क्या कहना चाहेंगे? हेलो थोड़ा ऊंचा बोलिएगा भाई यार, बाकी सारे वीर होश रहो थोड़ा, बाकी थोड़ा मोश लगी सारे को मैं पूछ रहा हूँ जी जी बैठे साकी के बल्ले के साथ हम मैदान में आए तो क्या कहना चाहेंगे जनाब, क्योंकि आप हास्य हास्य से साकी के बल्ले के साथ खेलते आ रहे हैं भाई। बड़ा शानदार वर्कआउट करे बात, बहुत शुक्रिया 10 साल से ये बंदा 10 साल से साकी स्पोर्ट्स के बल्ले के साथ खेल रहे हैं, सो बहुत शुक्रिया फात भाई जजाकल्ला। वन बाई वन आते नहीं मैं चलो जरा आप मायने थोड़ा आगे साकी साकी के बल्ले के साथ इतना अरसा हो गया है आपको तो क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह
सबसे बड़ी बात है इनके मुंह में ना नहीं है, किसी ने भी आना है कोई जानते नहीं जानते बैट पास कर। मैं भी कमेंट हूँ, हालांकि मेरा बैट से कोई लेना देना नहीं है, हालांकि मैं जब भी कॉल करता हूँ इनाम भाई अफजल भाई को स्पेशल पक्के ना करो सो बैट से वो आते हैं। थैंक यू सो मच फहीम। कामरा का भी बड़ा बॉलर है, वो भी हफ्ते में 3 दफा बैट ये देख ले जनाब। फहीम भाई ये पाकिस्तान टेबल क्रिकेट का वो खिलाड़ी है जिसके नाम पे इसके पास सबसे बड़ा इजाद है, जिसके नाम पे अपना ग्राउंड बनाया गया है जनाब, फहीम मलिक डस्टर ग्राउंड। सो फहीम भाई साकी के बल्ले के साथ आप खेलते हुए आपका भी अच्छा हो गया है, अच्छा दराज सीनियर क्रिकेटर है डस्का के, सो क्या कहना चाहेंगे साकी के बारे में? बहुत से बैट यूज किए हैं लेकिन ये साकी स्पोर्ट्स फर्स्ट ये एक्सपीरियंस है कि ना भाई जैसे मेहनत के हर बल्ले भाई यार मेरी बात सुनिएगा, सारे भाई जितने भी इधर मौजूद है जमान भाई भाई बात सुनिएगा, इन सब के ना कमेंट्स इधर लाइव जा लेने देगा आपके, हम शोर आ रहे हैं बीच में तो मेहरबानी नाराज ना होकर बंदा वन बाय वन सबको बुलाते हैं। थैंक यू सो मच वीर जी। माविया भाई इधर आए ना, माविया भाई माशाल्लाह से आप इतने तो हैंडसम है, सियालकोट में सारे प्लेयर्स देखे जाए तो सबसे ज्यादा अलग एक पहचान रखते हैं अमीर माविया नामी लड़का। माविया माशाल्लाह ओपन भी खेलते हैं, प्रीफेक्ट ऑलराउंडर है अमीर माविया। अमीर माविया साकी के बल्ले के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? उच्ची थोड़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा बैट है, मुझे भी खेलते हुए तकरीबन 10 साल हो गए, माशाल्लाह जैसी ये क्वालिटी है मेरे ख्याल से अभी तक मैंने ऐसी क्वालिटी अभी तक नहीं देखी। 10 साल हो गए हैं अमीर माविया भाई को और अभी तक कोई क्वालिटी ऐसी नहीं देखी। जमान भाई जेड वाई स्पोर्ट्स के ऑनर भी है, जमान भाई माशाल्लाह से आप भी साकी के बल्ले के साथ खेल रहे हैं और बाकी भी यानी कि स्पोर्ट्स की शॉप है ट्विटर में सलीम भाई माशाल्लाह वर्क कर रहे हैं, सो आप भी साकी के बल्ले साथ खेल रहे हैं, सो क्या कहना चाहेंगे साकी का वाले? ना तो फिर पता लग रहा है एक मिनट मेहमान आ रहे हैं अधूरी है। जेड वाई स्पोर्ट्स जनाब ये कह रहे हैं, जुमान का कहना है कि साकी स्पोर्ट्स के बैट के बगैर अधूरी है, अच्छी से अच्छी क्वालिटी की जो बैट है वो मुहैया किए जाए। थैंक यू जमान भाई। आमिर सोहेल सर आप आइए, आप बड़े एक्टिव रहते हैं ऑलराउंडर हैं, आमिर आपका भी बैट के साथ अक्सर जो पंजाबी कहते हैं वहाँ प्यार रहता है, सो ए बल्ला कैसा लगा पंजाबी थोड़े में सवाल थोड़ा पंजाबी में बताएं। हाँ हाँ पंजाबी दसो है बैट की वजह अबू बकर आपने मैंने देखा है कि परसों रात को ये इस बंदे ने माशाल्लाह से जहीर कालिया को डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक छक्का लगाया और एक तरफ मिड ऑन की जानिब छक्का लगाया, क्या बात है तेरी अबू बकर। अबू बकर बल्ला आपके हाथ में साकी गई था, सो क्या कहना चाहेंगे साकी के बल्ले के हवाले से? माशाल्लाह साकी का बैट बहुत अच्छी क्वालिटी का बैट है, ठीक है उच्ची थोड़ा जा स्पॉन्सर करते हैं साकी के बैट के साथ खेलेंगे। थैंक यू। आप आ जाए शेरा, क्योंकि मैं ऐसा कमेंटेटर हूँ कि मेरे में ना मुझे याद होता है कि तरी हमारे गुजरात के मुनीब टेलर बॉलर थे, रन सरकार में जनाब आई थिंक 21 2 बॉल में 2 छक्के चाहिए थे जनाब, 29 रन दरकार थे, मुनीब टेलर बॉलर थे, नाराज ना होइएगा मुनीब भाई। साकी का बल्ला इनके हाथ में था, ये नहीं कि एक अलग बात होती है बैट हर बंदे के हाथ में होता है, बनाना बहुत बड़ा जिगरा होता है, शेरा टारेट ने वो किया था जनाब, 29 रन बना डाले थे गुजरात वर्सेस सियालकोट के मैच चल रहा था तो शेरा ने बनाए थे 6 बॉल में 36 भी लगाए, शॉर्ट बॉल में बाजवा स्पोर्ट मार दो शेरा भाई क्या कहना चाहेंगे साकी के वाले? माशाल्लाह अच्छे बैट है साकी और सब ने यस तो इस्तेमाल करते हैं माशाल्लाह अच्छे बैट है साकी के, तो आप भी पक्के ही साकी के साथ जाना पे बस अब लग। शेरा भाई शेरा अक्सर जब बॉलिंग पे आता था दहशत की अलामत बने रहते हैं, 1 साल क्रिकेट छोड़ी उसके बाद दोबारा आए और 2 साल बाद दोबारा वापिस आए और फिर आते साथ छा गए, सो शुक्रिया शेरा भाई थैंक यू सो मच। नेक्स्ट चाचू शाही साहब जरा आप आए ना, चाचू जी मैं एक पंजाबी तुहाडे नाल गल करांगा, चाचू तुहाडा बैट
बैट ना कोई लेना देना चाचू साई साहब साढ़े मौजूद ने माशाला डस्का साई इलेवन डस्का टीम ऑनर ने चाचू जी थोड़ा बैट ना वैसे कोई लेना देना नहीं है प्लेयर बैट के खेलते हैं चाचू बैट ने बारे क्योंकि मैं इसलिए आख्या थोड़ा कोई लेना स्पॉन्सर कर रहे हो मुंडिया को खड़ा हो जी गरीब चाचू साकी बल्ले तक क्योंकि फिर मैदान ज्वाइन कर रहे हैं साकी आले माशाल्लाह बड़ा क्वालिटी बड़ी अच्छी सियालकोट दे जिन्ने बच्चे ने ना जिहड़े नवे बंदे ने उन्हां सारिआं दे नाल के बल्ले ना खेडे ठीक है कि नहीं ते इन्हां दी बहुत मोहब्बत है बहुत अच्छे इंसान ने मोहब्बत है मोटरसाइकिल भी चल रहे यार बंदे बड़े अच्छे ने क्वालिटी सही है मानदर साकी का बंदा चाचू मेरी बात सुने भाई ये दुबई में अरबी लोग के लिए बैट लेके जाएगा और हिंदू के लिए लेके जाएगा और मेरे दोस्त है अरबी पांच साल के लिए पांच बंदे लेके जा रहे हैं मैं आपको लेके जाऊंगा ओके हो गया भाई थैंक यू सो मच नहीं 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 ख्वाजा साहब आ गया ख्वाजा साहब आए ने लामा साहब मिस यू अली शाह जी शाह साहब साकी का बल्ला माशाल्लाह से आपके सारे खिलाड़ी हैं आप इलामा इलेवन टीम के ऑनर भी हैं आपके सारे खिलाड़ी साकी के बल्ले के साथ खेलते हैं सो शाहकोट के अंदर दीगर कंपनीज भी हैं आप इन प्लेयर्स को अगर बोले तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी बात को रद्द नहीं करेंगे सो हमेशा साकी के बल्ले के साथ क्यों आपके सारे खिलाड़ी खेलते हैं सबसे ज्यादा जो बैट है वो साकी ने चवाल किया गया जो विकेट लगाई गई थी वो भी साकी स्पोर्ट्स को लगाई गई थी साकी स्पोर्ट्स सियालकोट के अंदर जो इवेंट होते हैं क्योंकि बीइंग ऑर्गेनाइजर कहां तक इनकी कंट्रीब्यूशन होती है मैच के हवाले से बेशक साकी स्पोर्ट इज द बेस्ट और जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है उसमें सबसे पहले नाम भाई को साकी स्पोर्ट्स में रब्ता किया जाता है कि आप स्पॉन्सर करें वो हमें बहुत विकेट्स और बैट में स्पॉन्सर करते हैं और हर हमारे जो टीम का प्लेयर है मुंबई की टीम साकी से खेल और नाम भाई को स्पेशल कॉल की जाएगी हमें एक स्पेशल एडिशन दिया जाए बिल्कुल जी इवेंट है वो जानदार हो जाता है साकी स्पोर्ट्स के स्पॉन्सर करते हैं सो इस टाइम जितने भी स्पॉन्सर हैं बड़े बड़े वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं और एक ही स्पोर्ट्स का बल्ला है जो अली तरजी है प्लेयर्स की और हमारे जो साइकिल क्रिकेट है वो भी साकी का बल्ले से खेले थे आपको ऑनलाइन चाहिए क्रिकेट से जो ऑफिशियल पेज है इनबॉक्स में भी आके रब्ता कर सकते हैं थोड़ा ना